जो टीका टिप्पणी करने वाले हैं वो कहते हैं कि एक दिन करने से क्या हो। मैं इन सभी को कहना चाहता हूं, विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आज देश के दुनिया के 200 देशों के अंदर, दुनिया के 200 देशों के अंदर करोड़ों लोग जो योगाभ्यास कर रहे हैं उसको देखकर कितने बच्चे अपने पूरे जीवन को योग के साथ जोड़ने का संकल्प लेंगे और अपने जीवन को उद्योगति प्रदान। पश्चिम के देशों में और दुनिया में जब कोई भी नई चीज का इजाद किया जाता है तो वो पेटेंट रजिस्टर कराते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसका बुक करते हैं। और ये भारत ही है कि जिसको कोई पेटेंट की जरूरत नहीं है, ये योग का ज्ञान, योग का विज्ञान समग्र दुनिया के कल्याण के लिए, समग्र विश्व के कल्याण के लिए हमने मुख्य मंच रखा। और मोदी जी ने जो योग को विश्व के अंदर पहुंचाने का काम किया है, इसके कारण योग के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी मोदी जी ने विश्व के अंदर प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। योग आज भारत का राजदूत बनकर समग्र विश्व के लोगों को भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित कर रहा है। और मैं आज योग दिन के इस अवसर पर हम सब की ओर से देश के प्रधानमंत्री के प्रति निश्चित रूप से मनपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने योग को वैश्विक स्वरूप देने का काम किया है। और इसके साथ साथ योग को अमर करने की, योग को चिरंजीव करने की, योग को एटर्नल शाश्वत करने की जो यात्रा चली हजारों हजारों साल से, कई मनुष्यों ने, कई योग गुरुओं ने, कई ऋषियों ने, कई मुनियों ने इसके अभ्यास को निरंतर करा, ये विज्ञान को आगे बढ़ाया, ये विज्ञान को संशोधित कर और इसके अंदर परफेक्शन लाने का प्रयास किया, वो सभी योग गुरुओं को भी आज मैं इस मंच से आदर पूर्वक प्रणाम और नम्रता से उनको श्रद्धांजलि देने का काम। आज भी हमारे पुरखों की इस धरोहर को बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, कई सारे लोग इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं कई बार बाबा रामदेव के शिविरों में गया हूं, मुझे आश्चर्य होता है बड़े बड़े शहरों में सुबह 4:30 बजे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग बाबा के पास से योग के पाठ सीखने के लिए इनके सामने एकत्रित आ जाते हैं, तब बड़ा आश्चर्य होता है। और ये योग के आंदोलन को जितने भी लोगों ने बढ़ावा दिया है वो सभी को आज मैं आदर पूर्वक प्रणाम कर ये कहना चाहता हूं कि योग आज विश्व में भारत का राजदूत बनकर प्रसरा है, हमारी संस्कृति का राजदूत बनकर प्रसरा है। हमारी संस्कृति को विश्व के अंदर पहुंचाने के लिए योग ने बड़ी भूमिका अदा की। आज इस अवसर पर मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को भी साधुवाद देना चाहता हूं कि कल ही उन्होंने योग परिषद का गठन कर राज्य के अंदर योग को बढ़ावा देने के लिए एक टूट के कदम उठाया। मित्रों, आज और कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता, इस अवसर पर विश्व भर के योग के साधकों को, योग के साथ जुड़ना चाहते सभी नागरिकों को और विशेषकर भारत के सभी लोगों को योग दिन की बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूं। भारत माता की जय।